चलिए आज हम लोग देखते हैं कि यूवी में प्रॉब्लम कैसा आता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एरर आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ मॉडल है मेरे पास 4, 5, 6, ठीक है, ये मेरे पास मॉडल है, इसके यूवी मैंने डिलीट किया है। क्या मैं अगर यहाँ पे सिंपल में न्यू मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास दो फाइल हैं, पहले इम्पोर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए एक मेरे पास है विद यूवी, ठीक है, ये विद यूवी लिया तो मेरे पास इसकी यूवी है। तो अगर इस मॉडल को मैं अगर जीवस इम्पोर्ट करूँगा तो और उसमें टेक्सचर करूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी में एक आपका वही दिखाता हूँ, अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइल पे गए, इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या विदाउट यूवी। अभी ये प्रॉब्लम आता कब है, जैसे ये इसका यूवी नहीं है, इसका यूवी मैंने डिलीट कर दिया। अभी इसको मैं अगर इम्पोर्ट करता हूँ जीवस में, तो हम लोग यहाँ पे गए, सिंपल सा पार्ट इम्पोर्ट किया मैंने यहाँ पे, इम्पोर्ट में विद यूवी और विदाउट यूवी मैंने यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया, टी प्रेस किया यहाँ पे, ठीक है, स्विफ्ट एफ। जब भी मैं कोई भी मॉडल लाता हूँ यूवी निकाल के लाऊंगा तो पहला काम यहाँ पे क्रॉस चेक करना, यहाँ पे मॉर्फ यूवी हमेशा दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा मतलब कि हमने काम किया लेकिन बाई चांस कोई गलती ऐसी हो गई है जिससे यूवी हमारा डिलीट हो गया। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ टेक्सचर पे, गया यहाँ पे मैंने टेक्सचर इम्पोर्ट किया यहाँ पे, ठीक है, टेक्सचर मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया तो ये एरर आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान देना है क्या कि टेक्सचर मैपिंग रिक्वायर्ड यूवी। अभी ये नहीं हुआ मतलब गलती हमारे एंड पे कहीं ना कहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं दूसरा मॉडल, इम्पोर्ट किया विद यूवी, विद यूवी करते देखो आपके नाप आ जाएगा। तो जिसमें यूवी है यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैंने बताया, मॉर यूवी मैप में जाना एंड मॉर यूवी करेंगे तो ये आपको दिखेगा क्या, ये पार्ट आपका ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट आपका ऐसे मॉर्फिंग में दिखेगा। तो ये पार्ट हमें हमेशा क्रॉस चेक करना ताकि हम लोग यहाँ पे समझ सके कि हमारे पास एरर क्या है।